What's up, YouTube? How's everybody doing? My name is Monty. I'm Jay. So guys, you guys already know we have been living in Calgary, you know, for a while. आज का plan थोड़ा सा ऐसे है कि we decided to show you the big houses in Calgary, कहाँ पे वो actually situated हैं. Big houses नहीं, rich houses. Rich houses. मुँह से निकल भी नहीं रहा है देखो rich. गाइस प्लान कुछ ऐसा है, हम लोग आपको तीन चार कम्युनिटीज़ दिखाने वाले हैं, ठीक है. और घर के अंदर तो हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि पता है घर देखने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एरिया कौन से हैं वो वाले कैलगरी के सराउंडिंग, जो एक्चुअली जहाँ पे मोस्ट वेल्दी पीपल ऑफ कैलगरी यू कैन से वो लोग वहाँ पे रहते हैं. तो हम तीन चार कम्युनिटीज़ कवर करेंगे, घर आपको अंदर से नहीं दिखाएंगे, सिर्फ बाहर से दिखाएंगे. और हो सकेगा तो हम आपको अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट का भी आइडिया देने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि हर एरिया की कॉस्ट कितनी है. एंड तक टिक के देखना क्योंकि हम एंड में दिखाएंगे आपको वो वाला एरिया जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है. गाइस द फर्स्ट कम्युनिटी विच वी आर एक्चुअली शोइंग यू, सो दैट इज द ग्रे होमस्टेड. यहाँ के नाम भी थोड़े डिफरेंट डिफरेंट है, कंट्री साइड वाली पूरी फील देते हैं. दिस होल एरिया एक्चुअली कम्स इनटू नॉर्थ वेस्ट ऑफ कैलगरी. इट हैज इट्स ओन रेजिडेंशियल प्लस इट हैज इट्स ओन रेंज रोड, सो जहाँ पे लोग एक्चुअली सिटी से बाहर जाके रहते हैं. बट यू नो वट, नथिंग टू वरी अबाउट फॉर दीज गाइज. ऑल द ग्रोसरी लाइक यू नो एमिनिटीज, गैस स्टेशन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे मेरे ख्याल 5-7 किलोमीटर में ही पहुंचेंगे, विच इज लाइक 5-7 मिनट्स ओनली. शॉट कैसे लगे जल्दी से बताओ, जो अभी हम लोगों ने आपको दिखाए थे. और अभी हम आगे हैं सेकंड कम्युनिटी में, इसका नाम है वुडलैंड एस्टेट्स, मैं नाम भूल जाती हूँ, राइट. और ये भी नियर बाय है, नॉर्थ वेस्ट कैलगरी में ही है. और यहाँ पे हम लोग घर देख रहे हैं भाई, सब घर नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ ड्राइववे दिखाई दे रहे हैं. इतने लंबे लंबे इनके ड्राइववे हैं कि आई डोंट नो, बिना गाड़ी के तो मैं घर तक नहीं जाऊँगी चल के इनके मेन गेट से. सो गाइस द होल रीजन टू यू नो शो यू गाइस यहाँ पे जो घर, तो बेसिकली ड्राइवे इतने बड़े बड़े हैं तो हर ड्राइवे में जाके हम आपको घर नहीं दिखा सकते. तो इसीलिए आज आपको बहुत सारे ड्रोन शॉट्स मिलने वाले हैं देखने के लिए, क्योंकि ड्रोन इज द ओनली वे, you know, that's how we can actually show you guys the houses. अलग-अलग communities दिखाएंगे जहाँ पे हम घर closely दिखा पाए, वो हम पक्का दिखाएंगे. Guys, मेरे पीछे आपको एक gentleman दिख रहे हैं जाते हुए, वो जा रहे हैं अपने तीन doggies के साथ, वो उस घर के owner हैं, ठीक है. अभी हमारी उनसे बात हुई है, उनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. हमने पूछा कितने का यहाँ पे ये पड़ा इनको घर एंड एवरीथिंग, उन्होंने हमें बताया उन्होंने 20 साल पहले लॉट खरीदा था, यानी कि प्लॉट खरीदा था, ठीक है. और ये घर उन्होंने खुद बनाया है हेल्प लेके, ठीक है. तो 20 साल से वो इस घर को थोड़ा 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 बनाते रहे और आज वो इतना बड़ा महल जैसा घर है, ठीक है. एंड द मेजर मेन पॉइंट वॉज लाइक कि वो काम क्या करते हैं, वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करते हैं. सो गाइज, इफ यू आर कमिंग टू कैनेडा और आपका बैकग्राउंड है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का, भाई साहब आप बहुत डॉलरों में खेलने वाले हो. गाइज दैट पर्सन like so shy, हम लोगों ने कोशिश किया, we were like trying to tell him like if he can tell us like on camera अपनी story, and he was like no, I just want to remain anonymous, कि कोई मुझे पहचाने ना, ठीक है, मेरी शक्ल कोई ना देखे, मैं काम करता हूँ घर में रहता हूँ. he is such a simple guy, so he was like not at all interested. हमारी अपनी स्टोरी वो हमें बता के चले गए, बस कैमरा भी नहीं बताना चाहते थे. So guys, now we have come to our third location, which is Cody Range. So which comes actually under Church Ranches. So name doesn't matter. Yes. आपको घर कैसे लग रहे हैं, you know, that's what matters. So ये वाली जो location है, so far we have observed कि यहाँ पे घर जो है बड़े पास पास में है, बड़े close close में है. So if you're interested in knowing who's your neighbor, so this is a location you want to go for. Like me. हम लोग हमेशा इस बात के ऊपर आर्ग्यू कर रहे होते हैं, ये बोलते हैं मुझे तो अकेला सुनसान जंगल वाला वो क्या बोलते हैं रेंज रोड वाला घर चाहिए, और मैं बोलती हूँ मुझे ऐसा चाहिए यार कम से कम मुझे पड़ोसी तो दिख जाए खड़े होके. नहीं मतलब नॉट लाइक यू नो बिल्कुल एकदम दूर दूर वाला, पता है ये लोग दूर दूर है पर प्लस ये लोग पास में भी है. हाँ. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वीराने में कोई एक घर बना हुआ है, तो मतलब मुझे पर्सनली ऐसे वाले एरियाज बहुत पसंद है. बट गाइस एक चीज, यू नो आई एम लाइक रियली क्यूरियस,
What do these guys do to be able देखो, to afford? देखो एक से अभी हम मिल के आए, ठीक है? तो वो तो oil and gas industry में job करते हैं, so oiling वाले, trucking वाले, ये these guys make good money here. तो अब क्या करें? सबके घर खड़काएं to know? Risking our lives, कोई gun निकाल के लाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो legal है ना, trespassing की है किसी ने, okay, you can shoot legally. One thing for sure, I'll say, you know what? कि ऐसी जगह पे रहने के लिए be mentally prepared, क्योंकि एक वो यू नो सेटिस्फैक्टरी वाला पार्ट है कि हाँ यू आर लिविंग ऑन अ फार्म हाउस, बट इनकी मेंटेनेंस इज इवन हायर. व्हाई वी से इट? क्योंकि आपके पास 2-3 acres लैंड है. और गाइस यहाँ पे लेबर वाला सिस्टम नहीं होता कि आपके घर में नौकर है, गार्डनर है, मेड है, वो सब आपको खुद ही करना है. फॉर इवन दीज पीपल इट विल बी एक्सपेंसिव टू कीप यू नो लाइक द सर्वेंट्स और मेड्स. ओके, बट व्हाई आई एम सेइंग मेंटेनेंस वाइज इवन हायर, क्योंकि समर में गार्डनिंग करनी है, वो भी खुद करनी है, ठीक है? और फिर उसके बाद विंटर में स्नो प्लाव करना है और वो भी खुद करना है. मेन जो स्ट्रीट्स है वो लोग क्लियर करके जाएंगे, ठीक है? जस्ट लाइक इन अ सिटी. ओके, बट जो आपका ड्राइववे है, जो आपके ड्राइववे के अराउंड सराउंडिंग एरिया है, जो आपकी 2-3 acres की लैंड है, ठीक है, दैट इज समथिंग यू हैव टू क्लीन ऑन योर ओन. 2 किलोमीटर के तो ड्राइववे है. हाँ, और सोचो उसको क्लीन करने के लिए यू डोंट नीड जस्ट शवल, यू नीड अ मशीन, लाइक वो जो बॉब कैट वगैरह होते हैं. So guys, now we have come to our final location. So इस जगह को बोलते हैं सिल्वर हॉर्न. सो दिस इज एक्चुअली माई एंड जेज बोथ फेवरेट लोकेशन. सो इस जगह में एक्चुअली घर, ये एक्चुअली में नया एरिया है, नया डेवलप हो रहा है, ठीक है? सो दे बेसिकली बॉट द लैंड्स एंड बेसिकली बिल्डिंग अ हाउस. तो ये इस वाले लोकेशन में सारे के सारे घर नए हैं, और आप हमारे पीछे देख सकते हो ये छोटा सा ऑफिस है जो आज बंद है फॉर सम रीजन, ठीक है? सो मैं तो यही सोच के खुश हो रही थी, इतनी साइज का घर इस एरिया में बन जाए मैं तो बड़ी खुश हूँ यार. वो उतने टाइनी हाउस वाली फील, बनना जाए, मिल जाए, मिल जाए, नहीं बनवा भी लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, 2 बीघा जमीन की डिमांड है बस, और कुछ नहीं. सो गाइस ऑफिस बंद है, बट यहाँ पे इन लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है? सो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट द ऑफिस, लाइक जो भी आंसर करेगा, ठीक है? एंड यू कैन टेक ऑल द डिटेल्स विच यू वॉन्ट. और लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ कि यहाँ पे लॉट्स जो है दे आर फॉर सेल. सो गाइज वॉट वी वर टॉकिंग अबाउट कि ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन मॉडर्न हो रहा है इस एरिया में, सारे घर नए हैं. सो ये देखो एक लाइन से सारे इतने भयंकर, इतने औसम घर बने हुए, और सबका डिज़ाइन मॉडर्न है. सो दिस इज द थिंग वी विच वी, ठंड लग रही है यार, ठीक है? सो दिस इज द थिंग विच वी लाइक अबाउट दिस एरिया, ठीक है सर? मॉडर्न हाउसिंग हम लोगों को पर्सनली बहुत पसंद है. या तो लॉग हाउसेज हो या फिर मॉडर्न हाउसिंग हो, दोनों के बीच का नहीं चलता यार, सॉरी यार. सो गाइज वन इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू गिव यू, थोड़ा सा वियर्ड लगता है, यू नो लाइक सोचने में भी, बट आई गेस यू नो जिस हिसाब से कनाडा में इतना ज़्यादा महंगा है, वो लोग घरों में ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं एज कम्पेयर टू कार. तो इतने बड़े बड़े घरों का मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यू इतने बड़े बड़े घरों का मतलब ये नहीं है कि उनके पास गाड़ियाँ भी बहुत महंगी महंगी. हाँ, पता है हमने इतने सारे घर देखे हैं यहाँ पे कि बहुत बड़े बड़े घर मिलेंगे, बहुत कम ऐसे घर हम लोगों ने एक्चुअली में देखे हैं कि उनके पास एक्चुअली यू नो बड़ी गाड़ी अभी हो, क्योंकि कार इज अल्टीमेटली अ डेप्रिसिएशन, इट्स अ डेट. एरिया में हम लोगों को अभी ये पीछे एक घर मिला है, ठीक है? वी गॉट टू नो कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, ओके? सो इसका प्राइस है $5 million, जो कि सिर्फ हाफ एकड़ लैंड के साथ मिल रहा है, विच इज़ वेरी 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 लेस कंपैरेटिवली, कि इतने पैसों में यहाँ पे 2-3 acres जमीन और प्लस इतना अच्छा घर मिल जाता है. बट या दिस इज द एक्सपेंसिव एरिया, सो यहाँ पे सिर्फ आपको आधा एकड़ एरिया और ये घर मिलने वाला है. देखा आपने क्या मस्त वाला ना, बिल्कुल एकदम मॉडर्न घर है, फॉर सेल है, यू नो आई डोंट नो हु विल बी द लकी वन टू बाय दिस हाउस, बट
एरिया आपने देख लिया, नया डेवलप्ड एरिया है, बहुत सारे घर नहीं है, बट हाँ जो है बहुत ज्यादा महंगे हैं। बट $5 million का घर, $5 million बोले तो $50 लाख बोले तो इंडिया में 25 करोड़ का घर है ये। सो एक तरह से आई डोंट नो, दिस इज जस्ट द बैक ऑफ आवर हेड कैलकुलेशन, वी कैन बी टोटली रॉन्ग। मैथ्स में मेरा अंडा आया था तो मैनेज कर लेना प्लीज। बट गाइस नेबरहुड देखो, ये सारा नेबरहुड है, देखो सारे इसके आसपास में ये वाले घर हैं और एक घर ये है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाला घर है। वी विल ट्राई टू प्लान यू नो कि अगर इन फ्यूचर अगर हम लोग कभी ऐसा घर आपको कोई दिखा पाए रेंज रोड के ऊपर, बट ऑनेस्टली यू गॉट द यू नो फील कैसे हैं, ड्रोन शॉट्स कैसे लगे, प्लीज़ डू लेट अस नो, ठीक है। सो गाइज वी विल एंड द व्लॉग हेयर एंड आई होप यू गाइज रियली लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, you know, subscribe the channel aur guys ek baar batao yaar, dekho video dekhte ho na, comment zarur kara karo, like zarur kya karo, nahi achhi lagi to dislike mat kya karo yaar, ab chote se channel wale hain, theek hai, but hamari koshish hoti hai ki jitna acha hum log kar sake interaction zarur kiya karo, chahe comments mein karo, share karke karo ya fir like karke karo, zarur karna, theek hai, aur subscribe to karna hi karna hai। Chalo guys milte hain next vlog mein, tada bye bye। तीन बैटरी लेके आया था मैं ड्रोन की, तीनों के तीनों हारे, क्या बोलूं, चाट गए, चूस गए। मैं कुछ भी बोलती हूँ ना गाइस, सॉरी, लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला बेबी। अच्छा ठीक है, क्यों दुखी कर रही है, रिकॉर्ड कर ले, घर भी जा रहा है, ठंड लग रही है, बहुत जोर से ठंड लग रही है, तो हमेशा पता नहीं ऐसे लगता है हम हमेशा गलत दिन पिक करते, या तो ठंड हो रही होती है या फिर पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, ठंड ही हो रही होती है, ये कैरेंट है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट बालों में, क्या क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं, कौन सा करंट स्टैटिक है ना, अंग्रेजी में मत बोलो प्लीज, तूने तो बोला स्टैटिक, मैंने तो करंट बोला। सो गाइस नाउ वी हैव कम टू आवर फाइनल लोकेशन। क्या हुआ बेबी, क्यों छेड़ रही है, हाथ घुसाए जा रही इधर उधर, लोग बोलते लड़के बदतमीज होते हैं, ये बदतमीज है, मैं घुसेड़ू सिंह हूँ, ओह ठीक, गंदा नाम। मैं अपने यहाँ कहते नहीं, कोल्लू का बेल बना दिया, तेल निकाल दिया काम करवा करवा के, ठीक है, वो जो अंकल मिले थे अभी, भगवान ऐसा तेल सबसे निकलवाए, इतना बड़ा घर मिलेगा। सब भगवान जी प्लीज सबसे ऐसा तेल निकल पाओ। राइट तुम लोगों फालतू में लड़कियों को बदनाम कर रखा है, लड़कियां शरीफ होनी चाहिए, कोई नहीं शरीफ होती लड़कियां, अच्छा लड़कियों से बड़ा बदमाश नहीं है दुनिया में कोई, जर जोरू जमीन तीन ही कारण होते किसी भी जंग के, दुनिया में सारी लड़ाइयां जर जोरू जमीन, जर क्या होता है मुझे नहीं पता, जोरू मैं हूँ तुम्हारी और जमीन यहाँ पे दिलवा दो, एक जमीन अल्लाह के नाम पे यहाँ पे दिलवा दो, बेबी जमीन, बेबी दो बीघा जमीन, पुरानी मूवी नहीं ब्लैक एंड व्हाइट, दो बीघा जमीन चाहिए बस, यहाँ चाहिए, ठीक है।